यू व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है आप सभी की गेमिंग एंड सेमिन, कैसे देना आप सभी का। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग दो चीज़ें के ऊपर, बेसिकली दो टॉपिक था आज की इस वीडियो में, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है सर्वाइवल स्क्वाड का और वर्जन को लेकर। काफ़ी लोग का कमेंट्स जो है मुझे, मेरे पास बहुत आ रहे हैं कि सर्वाइवल स्क्वाड के जो ऑल वर्जन है उसके अंदर नई अपडेट कब आएगा, गेम के बग्स ग्लीचेस वगैरह फिक्स होगी कि नहीं, टायर्स रैंकिंग्स सीजन्स वगैरह आएंगे कि नहीं, उसमें परचेसेबल आइटम्स वगैरह ऐड होगा कि नहीं उसमें। तो काफ़ी लोग जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे, तो इसी के रिगार्डिंग जो है मैंने आज की इस वीडियो लाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अभी तक अगर आप सभी ने नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाइवल स्क्वाड के दूसरे वर्जन, नई वाली वर्जन के ऊपर में। तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि नई वर्जन में जो अभी सिर्फ मिशन मोड दिए गए उस पर बैटल रॉयल मोड आएगा कि नहीं, जब पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ओवरऑल जो मैप में हम सभी को दिया जाता है मिशंस, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या बैटल रॉयल मोड अनलॉक होगा क्या, मतलब बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो गाइस, बैटल रॉयल मोड अनलॉक होगा पूरी, जब हम लोग मिशन कंप्लीट कर भी लें तो बैटल रॉयल मोड अनलॉक होगा कि नहीं वो सब तो नहीं पता, क्योंकि सर्वाइवल स्क्वाड के डेवलपर्स लोग कुछ खास हम लोग को डिटेल्स नहीं दिए नई अपडेट में, ठीक है। सिर्फ उन लोगों ने ज़्यादा वेपन्स जो है लॉबी के बाहर में वो लोग ने ऐड कर दिए, बस ऐसे ही कुछ मेंशन किया, गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, ये सर्वाइवल स्क्वाड का पुराने वाले वर्जन है कमांडो सीक्रेट मिशन में, उसमें अपडेट क्यों नहीं आ रहा वो पूरी तरह से मैं आप लोग को डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो गाइस, ये नई वाली ये सर्वाइवल स्क्वाड जब ग्लेशियस गेम्स की तरफ से रिलॉन्च हुआ था इस 2021 पे, तो अभी उन लोग का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, इस गेम के ऊपर वर्क करने के लिए। इसलिए उन लोगों ने सोचा था कि जो सर्वाइवल स्क्वाड का पुराना वाला वर्जन है उसको वो लोग ऑफलाइन बना देंगे सोच रहा था, लेकिन उन लोगों ने उसके बदले में जो है नई वाली वर्जन जो है निकाल करके हम सभी को दिए, क्योंकि जो पुराना वर्जन था वो गेम सभी लोग को चाहिए होता है, क्योंकि आजकल जो है ऑफलाइन वर्जन जो है ज़्यादातर लोग खेलना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफलाइन होगा तो उसमें बॉट्स ही होंगे, तो उसमें कोई भी तरह की मज़ा नहीं है, उस पर कोई भी तरह की एनहेंस एक्सपीरियंस जो है हम सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगा उस ऑफलाइन मोड पे। एंड गाइस, मुद्दे पे हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे मेन चीज़ तो अपडेट कब देखने के लिए मिल सकता है हम सभी को। तो हम सभी को नेक्स्ट मंथ में हम सभी को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, कितने वीक में डेट टू डिटेल्स एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन हाँ नेक्स्ट मंथ में अपडेट दिखना चाहिए हम सभी को, क्योंकि मैंने उन लोगों को एक बार मैसेज किया था, आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहा होगा, एक बार मैसेज किया था डिटेल्स में कि आप लोग गेम के अंदर में अगर बहुत कुछ बदलाव नहीं कर सकते तो आप लोग इन इन चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पे उन लोगों को लिख के जो डिटेल्स में दिया था आप लोगों को, मैंने पिछली वाली वीडियोस वगैरह में दिखाया था, ऊपर में आई बटन वगैरह में आप लोग को दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग जा कर के देख भी सकते हैं अगर आप सभी ने नहीं देखा है। तो मैंने उन लोगों को डिटेल्स में जो है एक मैसेज लिख के दिया था, तो उन लोगों ने रिप्लाई किया था कि हम आपका एडवाइस जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि हमारे स्टाफ कम है गेम को ऊपर वर्क करने के लिए, उन लोगों ने ऐसा बताया था। तो मैंने बोला कि हाँ आप लोगों को टाइम ले ले, लेकिन गेम के अंदर जो ये सब चीज़ें ऐड कर ले। अभी आप लोग फिर से पूछेंगे कि गेम आपने क्या क्या चीज़ मेंशन किया, तो वैसे मैं बता दूं कि सबसे पहले चीज़ तो टायर्स, ठीक है, टायर्स रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेम के अंदर में, फॉर एग्ज़ाम्पल डायमंड टायर, गोल्ड टायर, ब्रॉन्ज टायर, जो भी टायर्स होते हैं गेम के अंदर में, मतलब वो डायमंड ब्रॉन्ज ऐसा कुछ नाम से होगा वो सब तो नहीं पता, क्योंकि अलग अलग गेम के अंदर में जो है वो टायर्स वाला रैंकिंग सिस्टम जो है उसका नाम जो है अलग अलग नाम से होता है, ठीक है, उसमें सर्वाइवल स्क्वाड पे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्री फायर में ग्रैंड मास्टर ये सब होते हैं, तो इसमें कुछ अलग नाम से हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ वो लोग ऐड कर सकते हैं। प्लेयर्स को एक्टिव रखना है, रेगुलर अपने गेम के ऊपर एक्टिव करके रखना है, तो उनको ये सब चीज़ें ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना जो है जो जो लोग इस गेम को खेलते हैं वो बोर हो जाएंगे, मतलब एक ही मतलब बस एक गेम प्ले ही करना है उन लोगों को, बस वही है, कोई भी तरह की यहाँ पे माइनस सिस्टम नहीं है, क्योंकि ओवरसी ये टायर्स नहीं तो माइनस नहीं है, मैप्स वगैरह इनविजिबल है, बस ग्लीचेस बहुत ही ज़्यादा है, तो नॉर्मली वो लोग ये सब चीज़ों को फिक्स करेंगे। पुराने वाले वर्जन जब 2017 पे लॉन्च हुआ था उस पर जब हम लोग गेम को विन करते हैं या गेम से एलिमिनेट हो जाता है तो हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलता था, मतलब कुछ कॉइन्स वगैरह मिलता था, कुछ अच्छी लुक था, ठीक है, अभी के जैसा एकदम बेकार लुक नहीं था।
आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हो कुछ इस तरह से जो है निकल करके आता था, लेकिन अभी जो है हम लोग किल करने से डायरेक्ट एग्जिट ना हो या अपने टीममेट को वॉच करो, बस वही ऑप्शन आ जाता है। कुछ भी तरह की जो है हमें रिवॉर्ड्स देखने के लिए नहीं मिलते। तो सर्वाइवल स्कोर के ग्लिसियस गेम डेवलपर्स लुक जो है अगर अपडेट आएगा तो ज़रूर से गाइस टियर रैंकिंग जो है वो लोग ज़रूर से ऐड करेंगे। आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है, पेशेंस रखें। वो लोग ने मेंशन बताया, अगर बताया है कि वो लोग एडवाइस लेंगे लाएंगे सब अपडेट, तो ज़रूर से ज़रूर लाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ भी हो सकता है गाइस, क्योंकि इस गेम का जो है अभी सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम है, इमेंस सपोर्ट जो है इस गेम के ऊपर हम सभी को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से जो है सर्वाइवल स्कोर के डेवलपर्स लोग ग्लेशियस गेम्स लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे गेम के अंदर। अगर वो लोग चाहते तो वो लोग नई वाली वर्जन निकालने की ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि ये गेम जो है पुराना वाला वर्जन ये सभी डिवाइसेस में फिट है, सभी डिवाइसेस में सेटिस्फाइड है। तो वो लोग सिर्फ इस गेम के ऊपर वर्क करना था, ना कि वो लोग नई वाली वर्जन निकालने की भी ज़रूरत नहीं था। अच्छा, एक तरह से अच्छा भी है, जो लोग ऑफलाइन मोड खेलना चाहते हैं जिसके इंटरनेट वगैरह वीक होते हैं वो लोग के लिए भी अच्छा है, लेकिन वो लोग अभी पुराना वाला वर्जन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। मैच मेकिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता है, मैच मेकिंग्स वगैरह का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो ये सब चीज़ें वो लोग देख ही नहीं रहे, एक तरह से ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप लोग पेशेंस रखें, अपडेट आएगा उसमें सीजन्स और ये टायर रैंकिंग तो ऑब्वियसली वो लोग ऐड करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो देखते हैं वो लोग कब ऐड करते हैं, धीरे धीरे करके जो है वो लोग गेम को अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है थोड़ी सी ऊपर में, बहुत गेम्स जो है गाइस बड़ी बड़ी गेम्स भी जो है धीरे धीरे करके अपग्रेड करते हैं। तो ये एक छोटी सी गेम है, तो ये लोग थोड़ा फास्ट वे में, शायद से फास्ट वे में वो लोग अपग्रेड करके जो है हम सभी को डे नेक्स्ट मंथ में या उसके बाद के आने वाले अगस्त मंथ में वो लोग ज़रूर से ज़रूर अपडेट हम सभी को देंगे, अच्छी अपडेट वो भी, ठीक है, बुरी अपडेट ने। तो ज़्यादा कुछ डिटेल्स में बात करने के लिए नहीं है गाइस, गेम प्लेस वगैरह लाना था बेसिकली, मेरा वीडियो टॉपिक अलग था, लेकिन मैंने आप सभी के डिमांड के ऊपर में जो इस वीडियो को बनाया। तो बस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज की वीडियो पे इतना ही है। ज़रूर से आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया। तो स्टे सेफ गाइस एंड एन्जॉय प्लेइंग गेम्स। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो पे।